हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है युद्रा। और आज हम करने वाले हैं युद्रा ट्रेलर का रिव्यू। तो शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी झलक देखते हैं, देखते हैं। मरने से पहले महाभारत का एक मशहूर किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। अभिमन्यु ने माँ के पेट से चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो सीख लिया, लेकिन कभी चक्रव्यूह भेद नहीं पाया। काफी गर्मी है तुम लोग में, मैं भी थोड़ा गर्म हो लेता हूँ। आपको लगा कि मैं अभिमन्यु हूँ, मैं उसका बाप हूँ अर्जुन। युद्रा हैज गॉट अ सीरियस एंगर इश्यू। वैसे आई थिंक सोचा जा सकता है। क्या क्या सोचा जा सकता है? तू और मैं एक साथ। तू अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद के लिए नहीं तो मेरे लिए, हमारे लिए। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। किरिश बिल्कुल तुम्हारी तरह था, अंगे लेने का शौक था उसे, शायद इसीलिए उसकी जान गई। ये जज को बोलेंगे प्लीज कि मुझमें जेनेटिक प्रॉब्लम है, शायद थोड़ी सजा कम ही कर दे। बाबू मेरे को बोलने के, कसाई का काम अल्ले पे बैठने का नहीं होता है, काटने का होता है। फिरोज देश का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता है। जो काम तुम्हारे बाप ने शुरू किया खत्म तुम कर सकते हो। अभी अपना माल मेड इन चाइना हो गया, फिरोज उनसे 5,000 किलो कोकेन खरीद रहा है। माल शफीक नहीं, हम उतरवाएंगे। एक बार मौका दीजिए, मैं लेके आता हूँ ना उसे आपके पास। ये पहली बार नहीं है जब जिंदगी ने साथ छोड़ने की कोशिश की है, पर मौत को ये मंजूर नहीं। दोस्त है ना अपनी, एक बार पहले भी आई थी, मेरी जान बचाने। कौन है बे, क्या चाहता है? जानना चाहता हूँ लोग मरने से पहले ऐसे बेवकूफी भरे सवाल क्यों पूछते हैं। आप सभी को पसंद आया हुए झलक, तो आज हम इसका करने वाले हैं रिव्यू। जितने भी राघव जुयाल जो कि एक डांस इंडिया डांस के विनर रह चुके हैं, उनके और आनंद चतुर्वेदी जो सबसे पहले दिखाए, जिन्होंने कैमियो किया था गली बॉय रणबीर सिंह के साथ, उनकी एक मूवी आ रही है जो टोटल एक्शन थ्रिलर ड्रामा बेस्ड मूवी है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डायरेक्टर एक्टर्स की बात। जो डायरेक्टर हैं युद्रा के, वो हैं रवि उदयकर, जिन्होंने बहुत ही फेमस मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी मॉम को डायरेक्ट किया था। युद्रा मूवी को निर्देशन करने वाले हैं फरहान अख्तर, जो फिर से आ रहे हैं प्रोडक्शन लाइन के साथ में। अब हम बात करेंगे स्टार कास्ट की। तो स्टार कास्ट में सबसे पहले जो मेन लीड प्ले करने वाले हैं वो आनंद चतुर्वेदी, जैसे कि मैंने आपको बताया वो गली बॉय में अपना कैमियो किया था, उसके बाद दीपिका पादुकोण के साथ भी नजदीकियां मूवी उनकी आई थी। अभी उनकी जो रिसेंट मूवी आ रही है वो आ रही है युद्रा, और साथ में आ रहे हैं राघव जुयाल। राघव जुयाल जिन्होंने डांस इंडिया डांस का जो रियलिटी शो था वो जीता था, अब उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया है। तो इससे पहले जो राघव जुयाल की जो एक्टिंग की जो बहुत तारीफ की जा रही थी वो की जा रही थी किल में, उसके बाद अब अगेन वो आ गए हैं विलन के रोल रूप में, जो अपना अगेन और भी ज्यादा विलन डेंजर रूप दिखाने वाले हैं हम इस मूवी युद्रा में। जो जो एक चेहरे से बहुत ही ज्यादा क्यूट इंसान, फेमस फॉर डांसर, अभी वो अपना एकदम से दूसरा रूप लेकर आ रहे हैं जो विलन का है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है, हालांकि उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई थी किल मूवी के अंदर। और इसमें जो ये पूरी अब बात करेंगे मूवी की स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी बेस्ड है टोटली माफिया, ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड के ऊपर, जिसमें दिखाया गया है कि अनंत चतुर्वेदी जो मेन एक्टर का प्ले कर रहे हैं, मेन हीरो जो लीड प्ले कर रहे हैं, उनके
जो भी उनका साइकोलॉजी है वो अपने फादर से जैसे उनके पिता थे वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। स्टार्टिंग होती है, जब स्टार्टिंग का जो डायलॉग है महाभारत की एक अध्याय से लेकर, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं मूवी महाभारत और करंट को जोड़कर दिखाई जाने वाली मूवी है। और अब हम बात करते हैं एक्शन की, तो इसमें बहुत सारे एक्शन सीन्स जो दिखाए गए हैं, फिल्माए गए हैं, जो VFX जो यूज किया गया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज किया गया है। हालांकि इसकी फाउल थोड़ी सी लैंग्वेज है जो थोड़ा सा मानसिक दिखाती है समाज के लिए, वो हो सकता है कि अच्छी ना हो। कुछ सीन इस तरह के हैं जिसमें बहुत ही वायलेंट किया गया है, जैसे कि अनंत चतुर्वेदी जब किसी गुंडे को मार रहे होते हैं तो उनका हाथ पे सिलाई मशीन से हाथ सिल देते हैं, वो भी देखिए इसमें जो चल रहा है। तो इस तरह की मूवी ये पूरी बेस्ड है। और मैं फिर से कहूंगा कि राघव जुयाल, जिसको जितने भी उनके फैन हैं वो उन्हें डांस के लिए ज्यादा जानते हैं, उन्हें इंस्टेड ऑफ विलेन का रोल करने से ज्यादा अच्छा है उन्हें थोड़ा सा कैमियो करना चाहिए एज ए स्वीट चॉकलेट हीरो की तरह। तो ये था आज का हमारा ट्रेलर, और इंतजार रहेगा 20 सितंबर का, जब ये मूवी बड़े सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जैसे मूवी रिलीज होगी हम इसका रिव्यू जरूर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है या कोई भी कमी आती है प्लीज हमें जरूर कमेंट करिए। तब तक हमारा ध्यान रखिए, ठीक है।